नमस्कार दोस्तों, 24 मार्च 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, तो बेसिकली ये जो लाइफ सेविंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी ड्रग है बेदेकुलीन नाम की, इसका पेटेंट था जॉनसन एंड जॉनसन के पास। अभी इस पेटेंट को इंडिया के अंदर जॉनसन एंड जॉनसन एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट इंडिया के अंदर पेटेंट एक्सटेंशन इनको मिला नहीं। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। इसराइल के अंदर ओवरऑल जुडिशरी की ताकत को कन्फाइन करने के लिए जो बिल पास किया जा रहा है, और ये बिल बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा देगा, इस बात को लेकर पूरे इसराइल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये क्या है इसको समझेंगे। टर्की ने फिनलैंड की बिड को नाटो की तो एक्सेप्ट कर लिया है, बट स्वीडन की बिड को एक्सेप्ट नहीं किया है। ये क्या न्यूज है इसको यहां पे देखेंगे। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक एससी स्कॉलरशिप्स, तो शेड्यूल कास्ट को जो स्कॉलरशिप जाती है प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक बेसिस पे, तो बेसिकली प्री मैट्रिक वाली स्कॉलरशिप में जितना पैसा एलोकेट किया गया था केवल 1% उसका खर्च किया गया, इसके बारे में बात करेंगे। अनसेफ सीवर किलिंग को लेके कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है, जो मैनुअल स्क्रेंजिंग का प्रोसेस है ये प्रोसेस नहीं करना है। ओवरऑल अगर आप कोई मैनुअली सीवर क्लास मतलब साफ करवा रहे हो तो उस केस में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को प्रॉपर जैकेट्स और यू नो लाइफ गियर देना है। अब ऐसे केसेस में अगर इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई, इसके रिस्पेक्ट में आर्टिकल है। और राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हो गई है क्रिमिनल डेफेमेशन के केस में, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में कल विनीत सर ने एक वीडियो बनाया भी था। एडिटोरियल्स की बात करें तो फ्रीडम फाइटर्स पे कमेंटबाजी ठीक नहीं है, ऐसा एक एडिटोरियल बोल रहा है, इसको देखेंगे। फिर फैमिली कोर्ट के बर्डन को समझने की कोशिश करेंगे, एक जर्नलिस्ट ने इस आर्टिकल को लिखा है। मुंबई की फैमिली कोर्ट वो जाते रहते हैं, फैमिली कोर्ट में क्या सीन होता है उसके बारे में बात की गई है। फिर ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम को बना के एक नई प्रकार की स्कीम लाने की जरूरत है, दिस इज द नीड ऑफ द टाइम, कुछ ऐसा आर्टिकल है। फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जो एबोरिजिनल ओरिजिनल इंडिजीनियस पीपल को जो राइट्स दिया जा रहा है उसको लेके अलग अलग पॉलिटिकल तबके के लोगों का क्या व्यू पॉइंट है, इसके बारे में बात करेंगे। और क्लाइमेट चेंज सर्वाइवल के रिस्पेक्ट में गाइड है, ये क्लाइमेट गाइड वाले में 3-4 पॉइंट्स आपको बता दूंगा। वैसे ज्यादातर पॉइंट्स यहाँ पे रिपीटेड है, IPCC की जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है उसके बारे में वैसे भी 3-4 दिन से बात कर रहे हैं। तो इतने एडिटोरियल और न्यूज है दोस्तों। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, स्लैंडर। स्लैंडर मतलब क्या होता है, द एक्शन और क्राइम ऑफ मेकिंग अ फॉल्स स्पोकन स्टेटमेंट डैमेजिंग टू अ पर्सन्स रेपुटेशन। तो आपको एक ऐसा स्टेटमेंट बोल दो जिससे बेसिकली किसी दूसरे पर्सन की रेपुटेशन पे बात आ जाए, तो उसको आप बोलते हो स्लैंडर। इसका सेंटेंस देखिए, ही सुइंग द टीवी कंपनी फॉर स्लैंडर, मतलब टीवी कंपनी ने ओवरऑल इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट कुछ उल्टा सीधा गलत बोला होगा, इसलिए उसने टीवी कंपनी के ऊपर लीगल केस शुरू कर दिया, सू कर दिया टीवी कंपनी को। तो स्लैंडर मतलब कि आप किसी दूसरे इंडिविजुअल के बारे में फॉल्स स्पोकन स्टेटमेंट दे रहे हो। चलिए पहली न्यूज, जीएस पेपर 2, हेल्थ गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंडिया रिजेक्ट्स जॉनसन एंड जॉनसन अटेम्प्ट टू एक्सटेंड मोनोपोली ऑन लाइफ सेविंग टीवी ड्रग। तो भाई इंडिया में भाई ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम तो बड़ी है ही, और दो प्रकार की ट्यूबरक्लोसिस हैं। एक तो फर्स्ट लाइन ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट, मतलब शुरुआत में जब पहली बार आपको ट्यूबरक्लोसिस होगा तो आपको आइसोसाइनाइड, राइफेम्सिन, पिराजिनामाइड और इथैम्ब्यूटॉल जैसी टैबलेट्स दी जाएंगी। तो इनिशियली जब टीबी होता है तो इन दवाइयों से आपका इलाज होता है, लेकिन जब आपको एक सीवियर फॉर्म ऑफ टीबी होगा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होगा, उस केस में जो ड्रग आपको दी जाती है उस ड्रग का नाम है बेदाक्यूलिन। बेदाक्यूलिन ड्रग आपको दी जाती है, इट इज अ क्रूशियल ड्रग फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी पेशेंट। और इस पर्टिकुलर ड्रग का पेटेंट है किसके पास, जॉनसन एंड जॉनसन के पास। अब बेसिकली ये पेटेंट खत्म हो रहा है जुलाई 2023 में। तो जॉनसन एंड जॉनसन ने इंडिया के पेटेंट ऑफिस में एक रिक्वेस्ट फाइल की कि हमें इस पर्टिकुलर पेटेंट का एक्सटेंशन दिया जाए। तो अभी ये जो बेदाक्यूलिन टैबलेट्स बेची जाती हैं, जो 6 महीने का ट्रीटमेंट कोर्स होता है, उसकी कॉस्ट होती है $400, लेकिन ये कॉस्ट बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। जुलाई 2023 में जॉनसन एंड जॉनसन का जो प्राइमरी पेटेंट है बेदाक्यूलिन पे, ये एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखो तो ल्यूपिन और मैकेलॉयड जैसे जो जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ओवरऑल बेदाक्यूलिन बना सकते हैं। अब जॉनसन एंड जॉनसन ने सोचा थोड़ा और पैसा कमा लेते हैं, तो उन्होंने यहां पे पेटेंट एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट डाल दी इंडियन पेटेंट ऑफिस में। और रिक्वेस्ट किस बेसिस पे डाली, बेसिकली जॉनसन एंड जॉनसन एवरग्रीनिंग की स्ट्रेटजी को अपनाता है। ये क्या है, स्ट्रेटजी टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ पेटेंट्स अबाउट टू एक्सपायर इन ऑर्डर टू रिटेन रेवेन्यूज बाय देम बाय मेकिंग मल्टीपल क्लेम्स इन इट्स एक्सप्लीकेशन फॉर पेटेंट एक्सटेंशंस।
देखो भाई, अगर आपको पेटेंट एक्सटेंशन चाहिए तो आपको कोई एक ऐसा बहाना देना पड़ेगा जिस बहाना के बेसिस पे आप ये बोल सको कि हाँ भाई, ये जो पर्टिकुलर ड्रग है इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट है या ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम किसी फर्दर रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं, जो किसी एक नई बीमारी के इलाज की दवाई में इस्तेमाल हो रहा है, कुछ इस प्रकार का आपको एक कह रहे सब्सटेंशियल एविडेंस और बेसिस देना पड़ेगा अपने पेटेंट के एक्सटेंशन के लिए। और इसको आप बोलते हो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट मतलब उस पर्टिकुलर दवाई को बेचने की मोनोपोली सिर्फ एक कंपनी के पास रहे, सिर्फ एक कंपनी के पास राइट रहे उसको बेचने का, उसको जेनरिक ड्रग ही ना बन पाए। तो जॉनसन एंड जॉनसन ने भी यहां पे बोला कि भाई ओवरऑल ये जो आपका बेटा क्यूलिन है इसके अंदर के सॉल्ट फॉर्म को इस्तेमाल करके क्यूनोलिन के डेरिवेटिव को बना के इससे और दवाइयों के निजात की हम कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली और बीमारियों की दवाइयां जो हम इन्वेंट कर रहे हैं उसमें हम लोग ओवरऑल क्विनोलिन के सॉल्ट फॉर्म का एक डेरिवेटिव बना रहे हैं जिसमें ओवरऑल बिदेक्यूलिन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस प्रकार के एक प्रेमाइस के बेसिस पे जॉनसन एंड जॉनसन ने असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन से एक्सटेंशन लेने की कोशिश की, लेकिन ये एक्सटेंशन रिजेक्ट कर दिया गया। लतिका द्वारा जी थी यहाँ पे असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन, इन्होंने बोला कि ये जो नए इन्वेंशन को क्लेम करने वाली बात बोल रहा है जॉनसन एंड जॉनसन, ये एकदम बकवास बात है। इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज को कभी भी पेटेंटेबल नहीं किया जाता। किसी भी सॉल्ट फॉर्म के अलग अलग डेरिवेटिव्स सेट नोन स्टैंडर्ड पे बनते हैं, तो उनको बनाना आप कभी भी पेटेंट एक्सटेंशन की प्रिमाइस नहीं रख सकते। ये बातें यहाँ पे ओवरऑल बोली जा रही हैं। देखिए क्या बोले, देर इज एविडेंस दैट द प्रिपरेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल कंपाउंड थ्रू सॉल्ट फॉर्मेशन विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर द ड्रग बेडाक्यूलिन हैज लॉन्ग बीन नोन टू फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एंड इज इवन साइटेड इन चैप्टर्स ऑफ रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड अदर कॉमन टेक्स्ट बुक्स। तो रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेज और टेक्स्ट बुक में वो तरीके लिख रखे हैं जिस तरीके से आप एक सॉल्ट फॉर्म के अलग अलग डेरिवेटिव्स बना सकते हो। तो बेडाक्यूलिन के अलग अलग डेरिवेटिव्स आप बना रहे हो, इसको आप प्रमाइज नहीं रख सकते ओवरऑल उस पेटेंट के एक्सटेंशन को लेने का, ठीक है। फिर पेटेंट का ऑफिस ऑर्डर और क्या बोलता है, सेक्शन 3D ऑफ द पेटेंट एक्ट स्टेट्स दैट द सॉल्ट फॉर्म्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ नोन सब्सटेंसेस आर नॉट पेटेंटेबल। द एप्लीकेंट कैन नॉट क्लेम अ पेटेंट ऑन दीज मेथड्स एंड कंपोजिशंस ऑफ सॉल्ट फॉर्म्स दैट हैव बीन नोन इन साइंटिफिक वर्ल्ड फॉर मोर देन 3 decades। तो जो सॉल्ट फॉर्म को, जिन डेरिवेटिव्स को ऑलरेडी साइंटिफिक कमिटी जानती है बहुत लंबे समय से, उन्हीं में एक हल्का फुल्का नया प्रोसीजर डाल के आप बोलोगे ये तो हमारा पेटेंट है, ये भाई यहाँ पे नहीं चल पाएगा। यहाँ पे जॉनसन एंड जॉनसन जो कर रहा है वो बेसिकली एडमिक्सचर्स बना रहा है। एडमिक्सचर्स में नॉन कंपोनेंट्स को मिला के ओवरऑल आप कंबाइंड प्रॉपर्टी का एक नया कंपोनेंट बना देते हो, लेकिन वो नया कंपोनेंट कोई न्यूली डिराइव्ड केमिकल नहीं है, वो बाकी ड्रग्स के मिला के बना हुआ एक प्रॉपर मिक्सचर है, और उसको एक नया इन्वेंशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ द पेटेंट एक्ट नहीं कहा जा सकता, ठीक है भाई। तो ये अच्छी न्यूज है इंडिया के लिए दोस्तों। फिलहाल के लिए बेडाक्यूलिन अब जॉनसन एंड जॉनसन का पेटेंट नहीं रहेगा फ्रॉम जुलाई 2023। अगर आप देखो तो 2019 में 55,000 पेशेंट्स को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हुआ था इंडिया के अंदर, लेकिन इसमें से केवल 10,000 लोगों को बेडाक्यूलिन वैक्सीन मिल पाई। तो बेडाक्यूलिन वैक्सीन अगर अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरर्स बनाएंगे तो केवल इंडिया के अंदर ही नहीं, बाहर भी लोगों के लिए एक अच्छी बात है। रीजन बीइंग, इंडिया के जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स इस पर्टिकुलर वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। बट वेट अ मिनट, जॉनसन एंड जॉनसन केवल इंडिया में इसका पेटेंट होल्ड नहीं करता था, पूरी दुनिया में पेटेंट होल्ड करता था। और गुड न्यूज केवल इंडिया में है, केवल इंडिया में बेडाक्यूलिन का पेटेंट एक्सटेंशन नहीं हो रहा, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज में बेडाक्यूलिन का पेटेंट अभी भी जॉनसन एंड जॉनसन के पास है। तो साउथ अफ्रीका में अगर पेटेंट जॉनसन एंड जॉनसन के पास है तो इंडियन मेड जेनेरिक बेडाक्यूलिन ड्रग्स साउथ अफ्रीका जैसे मार्केट्स में नहीं बिक सकती, ठीक है। बट चलिए कम से कम इतना तो अच्छा हो रहा है कि इंडियन मेड बेडाक्यूलिन जेनेरिक ड्रग मेड ये कम से कम इंडियन मार्केट में अवेलेबल जाएगा। इंडिया में जो लोग ओवरऑल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनको तो कम से कम एक रिलीफ मिलेगी। फिर नेक्स्ट, जीएस पेपर टू जुडिशरी, राहुल गेट्स 2 years जेल टर्म इन डेफेमेशन केस। कल ये पर्टिकुलर न्यूज काफी वायरल हो रही थी, क्रिमिनल डेफेमेशन केस में राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा हुई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर रैली में यह बोल दिया था कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। तो इस बात को लेकर ऑब्वियस ही बात है, एक बहुत हर्टफुल स्टेटमेंट था ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ। चूंकि अब देखिए, मोदी जी का नाम भले इन्होंने ना लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेंट समझ में आ जाता है। राहुल गांधी जी अक्सर कर मोदी जी के ऊपर कमेंट करते नजर आते हैं। तो प्रॉब्लम ये है दोस्तों, अगर इनको 2 साल की सजा हुई है इस क्रिमिनल डेफेमेशन केस में,
तो इनकी लोकसभा की जो सीट है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है वायनाड से, वो खतरे में। क्यों? चूंकि 2013 के लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ बोला था कि अगर किसी लेजिस्लेटर को 2 साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा होती है तो वो इमीडिएटली डिस्क्वालिफाई हो जाएगा उस पोस्ट से जो उसने होल्ड कर रखी है, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन की पोस्ट हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो। समझ गए? अब पहले तो क्या था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 8 क्लॉज 4 इन पार्लियामेंटेरियंस को या लेजिस्लेटर को बचा लेता था। सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में यह लिखा हुआ था कि मान लो किसी को 2 साल की सजा होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से क्या हो गया, ही इज नॉट फिट टू बी अ लेजिस्लेटर। लेकिन उसके पास 3 महीने का टाइम होता था, अगर वो 3 महीने में जाके अपने इस कन्विक्शन के अगेंस्ट एक अपील फाइल कर देता है तो उसकी पार्लियामेंटेरियन की या लेजिस्लेटर की कुर्सी बची रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को भी यहां पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। तो अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ यह है कि कोई भी लेजिस्लेटर, एमपी हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, लोकसभा राज्यसभा का मेंबर हो, अगर उसको 2 साल या 2 साल से ज्यादा की जेल की सजा हुई है तो भैया उसकी पार्लियामेंट की सीट चली जाएगी, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इस हिसाब से तो राहुल गांधी जी को यहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए। लेकिन अब इसके और बहुत से लीगल एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं। मिस्टर सिंघवी साहब का ये बोलना है कि ओवरऑल ये जो जजमेंट सुनाया गया है सूरत की कोर्ट के द्वारा, ये जजमेंट लीगली करेक्ट नहीं है। क्यों लीगली करेक्ट नहीं है? क्योंकि सूरत की कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन ही नहीं था जजमेंट सुनाने का। ये ओवरऑल जो स्पीच दी थी राहुल गांधी ने, मोदी वाली, ये दी थी कोलर कर्नाटका में, जबकि जजमेंट सुनाया गया है सूरत की कोर्ट के अंदर। तो ये अपने आप में नहीं पॉसिबल है इफ वी लुक एट सेक्शन 202 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सेक्शन 202 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में साफ साफ ये लिख रखा है कि भैया देखिए, प्रोसिक्यूशन की कंप्लेंट्स के ऊपर एक्शन नहीं होगा अगर वो विदाउट ज्यूरिडिक्शन है। तो कोलर में जो स्पीच दी गई उसका कोई लेना देना नहीं है किसके साथ? सूरत की कोर्ट के साथ। तो सूरत की कोर्ट एक्शन नहीं ले सकती कोलर में दी हुई स्पीच के लिए। अब इसमें काउंटर लीगल पॉइंट भी आ जाएगा। तो क्या यहां पे राहुल गांधी जी को वायनाड की सीट से हटा दिया गया? तो देखिए, अभी के लिए डिसीजन नहीं लिया गया है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर इस चीज के ऊपर देखेंगे। सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये बोलता है कि द मोमेंट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स ही और शी अट्रैक्ट्स डिस्क्वालिफिकेशन। तो 8 क्लॉज 3 के हिसाब से तो राहुल गांधी को डिस्क्वालिफाई हो जाना चाहिए। हालांकि सूरत की कोर्ट जिसने 2 साल की सजा दी है राहुल गांधी को, उसी ने 30 साल के लिए इस सेंटेंस को सस्पेंड भी किया है। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर सेंटेंस 30 दिन के बाद प्ले में आएगा। लेकिन क्वेश्चन दोस्तों यहां पे ये उठता है कि सिर्फ सेंटेंस सस्पेंड हुआ है, कन्विक्शन सस्पेंड नहीं हुआ है। कन्विक्शन मतलब मिलॉर्ड मिलॉर्ड करके राहुल गांधी जी को यहां पर गिल्टी पाया गया और 2 साल के लिए उनको जेल में डाल दिया गया। तो भले ही सेंटेंस को 1 महीने के लिए सस्पेंड किया गया हो, लेकिन 1 महीने के बाद वो कन्विक्शन फिर भी एग्जिस्ट करता है। मतलब 2 साल की जो राहुल गांधी की सजा है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो टेक्निकली भाई लिली थॉमस केस के हिसाब से यहां पे राहुल गांधी की वायनाड की पार्लियामेंट्री सीट जानी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल ऑब्वियसली बात है, सरकार और लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल सोच के आगे बढ़ेंगे। क्यों सोच के आगे बढ़ेंगे? क्योंकि रिसेंटली दोस्तों लक्षद्वीप के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पीपी मोहम्मद फैजल। पीपी मोहम्मद फैजल को भी लक्षद्वीप की कोर्ट ने कन्विक्ट किया था और ओवरऑल उनकी पार्लियामेंट्री सीट छीन ली गई थी। लेकिन केरला हाई कोर्ट ने उस कन्विक्शन को सस्पेंड कर दिया और जो डिस्क्वालिफिकेशन था पीपी फैजल का एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, वो भी यहां पे सस्पेंड हुआ। बाद में मिस्टर फैजल सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में जाके मिस्टर फैजल ने बोला कि भाई मेरा डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, डिस्क्वालिफिकेशन से मुझे लोकसभा से हटा दिया गया, अब इलेक्शन कमीशन मेरी पार्लियामेंट्री सीट पे नया इलेक्शन कंडक्ट करवा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चूंकि हाई कोर्ट ने तुम्हारे सस्पेंशन को सस्पेंड कर दिया है, तो टेक्निकली इलेक्शन कमीशन का यह बोलना कि फिर से इलेक्शन कंडक्ट करवाओ उस पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री सीट पे गलत है। तो पीपी मोहम्मद फैजल के केस में क्या हुआ कि उनको लक्षद्वीप की कोर्ट ने सजा दी, सजा 2 साल से ज्यादा की थी, इसलिए लोकसभा से उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनकी सीट खाली होगी और उस सीट पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पहले तो केरला के हाईकोर्ट ने पीपी मोहम्मद फैजल के सस्पेंशन को रोका और उसके बाद इनफैक्ट उनके कन्विक्शन को सस्पेंड किया। पीपी मोहम्मद फैजल के कन्विक्शन को केरला हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया, तो टेक्निकली डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे पीपी मोहम्मद फैजल। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा था उनकी पार्लियामेंट्री सीट पर, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया।
तो एक बार पीपी मोहम्मद फैजल के केस में सेटबैक मिल चुका है, इस रिस्पेक्ट में राहुल गांधी जी को बहुत तेजी से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा लोकसभा से, इस बात के चांसेस देखिए कम है। फिर अगर आगे आप बात करो तो राहुल गांधी जी के पास एक और लीगल ऑप्शन है, वो आर्टिकल 103 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं। बेसिकली आर्टिकल 103 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करके इस बात के ऊपर डिसाइड कर सकता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इफ राहुल गांधी ऑप्ट्स फॉर द ऑप्शन अंडर आर्टिकल 103 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेसिडेंट रिलीफ भी यहां पे वो मांग सकते हैं। लेट्स सी, देखिए यहां पे क्या होता है आगे। फिर नेक्स्ट न्यूज, जीएस पेपर 2, मैनुअल स्कैवेंजिंग हेल्थ, वन कन्विक्शन फॉर अनसेफ सीवर क्लीनिंग, सो फार हाउस पैनल रैप्स गवर्नमेंट। तो भैया केंद्र की सरकार ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को इन्फॉर्म किया है कि एफआईआर रजिस्टर की गई है 616 केसेस में, जहां पे कॉन्ट्रैक्टर्स ने सेफ्टी गियर और इक्विपमेंट सीवर वर्कर्स को नहीं प्रोवाइड किया है। देखिए क्या है, मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रोहिबिशन एक्ट, इसके अंदर एक कन्विक्शन हुआ है। मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर ओवरऑल कोई भी इंडिविजुअल जिसको गिल्टी पाया गया मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रमोट करने के लिए, उसको भाई सजा दी जा सकती है। अब हुआ यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने रिसेंटली अपने कुछ सबमिशंस पेश किए हैं, किसके सामने, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सामने। और ओवरऑल इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को स्टैंडिंग कमेटी ने दोनों हाउसेस के सामने, लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखा है। ये बोला है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रोहिबिशन एक्ट को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, और जो इरेंट कॉन्ट्रैक्टर मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट के प्रोविजंस का वॉयलेशन कर रहे हैं उनको जेल में डाल दो, उनको कन्विक्शन करो, उनको सजा दो। यहां पे कुछ स्टैटिस्टिक्स से मैं बता देता हूं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने बताया कि 1035 लोगों की मृत्यु हो चुकी है ड्यू टू हैजार्डस क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स सिंस 1993। इनमें से 836 विक्टिम्स को ऑलरेडी 10 लाख रुपए का हर्जाना दिया जा चुका है एज मैंडेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, और 112 एडिशनल विक्टिम्स की फैमिली को 10 लाख से थोड़ा कम यहां पे कंपनसेशन दिया गया है। अब ये तो ये बात हो गई कि भाई जो लोग यहां पे अफेक्ट हुए उनकी फैमिली को आपने हर्जाना दे दिया, लेकिन जो लोग इसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ, मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो उन वर्कर्स को सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स में घुसाते हैं बिना प्रॉपर सेफ्टी गियर, उनके अगेंस्ट आप क्या एक्शन ले रहे हो। कहीं ना कहीं ये सफाई का ठेका लेने वाले कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर्स ही मैनुअल स्कैवेंजर्स को उठाते हैं, तो मैनुअल स्कैवेंजर्स को मैन होल में घुसा देते हैं विदाउट एनी प्रॉपर सेफ्टी गियर, तो ये प्रॉपर सेफ्टी गियर नहीं दिया और उसके बाद मैनुअल स्कैवेंजर को कुछ हो गया, तो कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट क्या किया गया। तो सरकार बोल रही है कि हमने सक्सेसफुली 616 FIR फाइल की है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट अंडर द मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट। ठीक है भाई, इन FIRs के ऊपर प्रॉपर तरीके से केसेस को स्टडी किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, रेगुलरली फॉलोअप किया जा रहा है। रिसेंटली एक और स्कीम भी लॉन्च की गई है सरकार के द्वारा इसी बजट में, नमस्ते स्कीम, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम। यहाँ पे सरकार 350 करोड़ रुपए खत्म करेगी अगले 3 सालों में। तो भैया सीवर और सेप्टिंग टैंक वर्कर्स को इन्यूमरेट करने के लिए यहाँ पे टाइमलाइन फिक्स की जाएगी पहले, मतलब सबसे पहले तो स्टेट वाइज यूनियन टेरिटरी वाइज इन्यूमरेट किया जाएगा कि कितने मैनुअल स्कैवेंजर हैं वहाँ पे, कितने सेप्टिक टैंक्स को साफ करने में वो इन्वॉल्व है। और एक बार जब आप इन्यूमरेट कर लोगे कि टोटल कितने मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, तो उसके लिए आप कुछ कर सकते हो। टोटल इस काम के लिए 350 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए, और इस पर्टिकुलर नमस्ते स्कीम के अंदर पहले इन्यूमरेशन होगा, और इन्यूमरेशन के बाद कैसे सेप्टिंग टैंक क्लीनिंग को मैकेनाइज किया जा सकता है, सीवर क्लीनिंग ऑपरेशंस को मैकेनाइज किया जा सकता है, जो ओवरऑल मैनुअल स्कैवेंजिंग में इन्वॉल्व हैं उनको अल्टरनेट लाइवलीहुड प्रोवाइड किया जा सके, इन सब चीज़ों के लिए भी 350 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। 2023-24 फाइनेंशियल ईयर से शुरू हो रही है पर्टिकुलर नमस्ते स्कीम, और इसको शुरू करने से पहले इन्यूमरेशन वर्क जरूरी है। इन्यूमरेशन वर्क मतलब ये पता करना कि ओवरऑल कितने नंबर ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में, कितने सेप्टिक टैंक्स हैं जहां पे मैनुअल स्कैवेंजर्स काम करते हैं। तो केंद्र की सरकार ने ओवरऑल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर को यह बताया कि भाई हम इंटेंड करते हैं कि 4800 अर्बन लोकल बॉडीज में हम काउंटिंग करेंगे इन मैनुअल स्कैवेंजर्स की, इनकी प्रोफाइलिंग करेंगे इस स्कीम के इंप्लीमेंटेशन के स्टार्ट होने से पहले। ठीक है भाई, ये बातें यहां पे बताई जा रही। एक और बात,
यहाँ पे केवल केंद्र सरकार का रोल नहीं है, यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरी की सरकारों का भी रोल है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे डाटा कलेक्ट करने की एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य की सरकार की या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की होती है। एक और इशू यहाँ पे है कि रिस्पॉन्सिबल सैनिटेशन अथॉरिटी एंड इमरजेंसी सैनिटेशन रिस्पॉन्स यूनिट्स बनानी होंगी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में, ताकि ये इन्यूमरेशन और उसके बाद इन पॉलिसीज का प्रॉपर तरीके से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। चलिए नेक्स्ट न्यूज, जीएस पेपर टू, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इश्यूज अराइजिंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन। केंद्र की सरकार ने प्री मेट्रिक एससी स्कॉलरशिप में केवल 1% अपना बजट एलोकेशन को खर्च किया है। तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के पहले 9 महीनों में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने जितना प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को पैसा एलोकेट किया गया ना, उसका केवल 1% खर्च किया। मैं एग्जैक्ट फिगर आपको बताता हूँ, 500 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स के लिए, इसमें से अब तक केवल 56 लाख खर्च हुआ है, और पोस्ट मैट्रिक में टोटल पैसा एलोकेट किया गया 5,660 करोड़, जिसमें से 2,500.22 करोड़ खर्च हुए हैं। मतलब 50% से कम खर्च हुए हैं उस पूरे बजटरी एलोकेशन का जो कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स के लिए एलोकेट हुआ। प्री मैट्रिक में तो भैया 1% से भी कम यहाँ पे खर्च हुआ, या फिर कह लीजिए ऑलमोस्ट 1% यहाँ पे खर्च हुआ। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, सरकार से सवाल पूछा जाएगा। तो यहां पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट से सवाल पूछ रही कि भाई क्या कर रहे हो आप, ये प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स में इतना पैसा कम क्यों खर्च हो रहा है। फिर एक और चीज यहां पे बात की गई, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जो डिमांड ऑफ ग्रांट है 2023-24 की, ये इस समय पे टेबल हो रही, चूंकि बजट पेश हो गया 1 फरवरी को, अब उस बजट को अप्रूव भी करवाना है ना, तो उस बजट को अप्रूव करवाने के लिए डिमांड फॉर ग्रांट पेश की जाती है लोकसभा राज्यसभा में, जिसको अप्रूवल देना होता है, तभी तो जाके खर्चा मिलेगा इन डिपार्टमेंटों को। यहाँ पे पीएम यशस्वी स्कीम का नाम आ गया, इसका फुल फॉर्म है पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर माइग्रेंट इंडिया, विच प्रोवाइड्स प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू अदर बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस एंड डीनोटिफाइड क्लासेस। इसके लिए ओवरऑल 1500 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है, लेकिन 31 दिसंबर 2022 तक इस 1500 करोड़ का ऑलमोस्ट केवल 2% ही खर्च किया गया। तो पीएम यशस्वी स्कीम के अंदर ओबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और डीनोटिफाइड ट्राइब्स को स्कॉलरशिप वगैरह देना, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, एससी स्टूडेंट्स की प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसमें पैसा खर्च क्यों नहीं कर रहे हो, इतना कम पैसा क्यों खर्च कर रहा है। तो केंद्र की सरकार का देखिए यहां पे क्या बोलना है, केंद्र की सरकार का यहां पे बोलना है कि ओवरऑल यहां पे पैसे का एलोकेशन या फिर कह लो जो पैसे का डिसबर्समेंट है वो धीमा इसलिए होता है क्योंकि पहले स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन की जरूरत है, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन के आने के बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन आएगा। तो बेसिकली ये जो स्कॉलरशिप स्कीम्स होती है दे आर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इसमें थोड़ा पैसा केंद्र की सरकार देगी, थोड़ा पैसा राज्य की सरकार देगी, राज्य की सरकार लगभग 40% देगी, केंद्र की सरकार 60% देगी। तो जब राज्य की सरकार का 40% रिलीज हो जाता है, उसके बाद केंद्र की सरकार का जो 60% वाला कंपोनेंट है वो रिलीज होता है, ठीक है, ये सब बातें यहां पर बताई जानी। ये जो हाउस पैनल है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, इसने कुछ नए मेजर्स की तारीफ भी की, जैसे कि एस्टैब्लिशमेंट किया गया सिंगल नोडल एजेंसी सिस्टम फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का, एनजीओस का इंस्पेक्शन किया जा रहा है ग्रांट एंड एड को रिलीज करने से पहले, तो अच्छी बात है यहाँ पे। देखिए, और जैसा कि मैंने बताया, केंद्र की सरकार का साफ साफ बोलना है कि केंद्र की सरकार का पैसा राज्य की सरकार के कंपोनेंट के रिलीज होने के बाद रिलीज होता है, राज्य की सरकार का कंपोनेंट बाद में रिलीज हो, केंद्र की सरकार पहले पैसा भेज दे, ये यहाँ नहीं होता है। तो एक तो ये वजह बताई जा रही है ओवरऑल इस पर्टिकुलर कमेटी को प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक पीएम यशस्वी के अंदर स्कॉलरशिप डिले करने की। दूसरा एक और बात है दोस्तों, यहाँ पे जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है एससी स्टूडेंट्स के लिए, उसमें इतना कम 1% ही पैसा गया, तो उसकी वजह यह है कि जो पहला साल है इसके इंप्लीमेंटेशन का एज अ मर्ज स्कीम, पहले 2 पोर्टल हुआ करते थे, एक शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट के लिए पोर्टल हुआ करता था और एक उन बच्चों के लिए पोर्टल हुआ करता था जो कि हजार्डस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है। अब इन दोनों पोर्टल्स को मर्ज कर दिया गया है, तो मर्जिंग में समय लगता है और चूंकि पहला साल है इम्प्लीमेंटेशन का, इसलिए यहां पे समय लग रहा है, समझ गए। अलग अलग राज्यों ने और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक अपने स्कॉलरशिप पोटेंशियल्स को पोर्टल्स को सेटअप नहीं किया है, इसलिए भी यहां पैसे भेजने में यहां पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये सब बातें यहां बताई जा रही, मतलब प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में 500 करोड़ में केवल 56 लाख रुपए केवल इसलिए गया है, अभी उसका रीजन यह बताया जा रहा है
कि पहले ये स्कीम का पैसा दो अलग अलग स्प्लिट स्कीम में जाता था, एक एससी स्टूडेंट्स की स्कीम थी, एक हैजार्डस ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व बच्चों की स्कीम थी, लेकिन अब इन दोनों को जोड़ दिया गया है। उसके बाद ये बोला गया कि राज्य की सरकार और केंद्र शासित प्रदेश अपने अलग अलग पोर्टल बनाएंगे, तो उनको पोर्टल बनाने में भी थोड़ी देरी हो रही है, इसलिए ओवरऑल एलोकेशन में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अगर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स की बात की जाए तो इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो 2021-22 में भी 3,415.62 करोड़ का एलोकेशन था, लेकिन खर्च केवल 1,978.55 करोड़ हो पाए थे, क्योंकि पिछले साल ओवरऑल नए पेमेंट सिस्टम पे शिफ्ट हो रहे थे। इस साल ओवरऑल प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में नए सिस्टम पे शिफ्ट हो रहे हैं, पिछले साल पोस्ट मैट्रिक में हुए थे। दूसरा रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, केंद्र की सरकार का बोलना है कि पहले पैसा राज्य की सरकार भेजेगी, फिर आधार लिंक अकाउंट में हम पैसा भेजेंगे, और प्लस हाउस पैनल को डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस ने इंश्योर किया है कि पैसा प्रायोरिटी पे जाएगा, आप चिंता मत करिए, हम ज्यादा से ज्यादा पैसा यहाँ पे एलोकेट करने की कोशिश करेंगे अंडर दिस स्कॉलरशिप। ठीक है भाई, तो ये हो गया। अगली न्यूज पे आ जाते हैं, इसराइल पासेस लॉ प्रोटेक्टिंग नेतन्याहू अमिड प्रोटेस्ट। तो भैया इसराइल की पार्लियामेंट ने फर्स्ट ऑफ सेवरल लॉज पास किया जिससे ओवरऑल इसराइल के अंदर जुडिशियल ओवरहॉल हो रहा है। आपको पता होना चाहिए पूरे इसराइल में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, इसराइल के लोग यहां पे नाराज है। इसराइल इस समय पे दो प्रकार के तबकों में बटा हुआ है, एक तबका है जो बहुत हद तक सेक्युलर है, जो रिलीजन का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस अपनी डेली लाइफ में नहीं चाहता, दूसरा तबका है जो रिलीजन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, और इस तबके में जो डोमिनेंट लोग हैं जो बहुत हद तक आप कह लो रिलीजियस कंजर्वेटिज्म के बेसिस पे इसराइल चलाना चाहते हैं, वो और चाहते हैं कि जो लिबरल जुडिशरी की ताकत है इसराइल के अंदर वो कम हो जाए। मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर भी यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि चूंकि इनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लगे हैं और करप्शन के चार्जेस में जुडिशरी इनको अकाउंटेबल ठहरा रही है, इसलिए जुडिशरी की ताकत को कम करना चाहते हैं। तो हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए, मेन हाईवेज पर ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, पुलिस से लड़ रहे थे यहाँ पे लोग, ओवरऑल बहुत से इसराइलीज यहाँ पे अपनी डेमोक्रेटिक फ्रीडम की राइट्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये बोलना है कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने करप्शन ट्रायल से अपने आप को बचाने के लिए, लीगल चार्जेस से अपने आप को बचाने के लिए ओवरऑल सारी की सारी ताकत अपने पास रखना चाहता है, लेजिस्लेचर सारी ताकत अपने पास रखना चाहता है, जुडिशरी को कुछ नहीं देना चाहता, इसलिए यहाँ पे जुडिशियल ओवरहॉल हो रहा है। और आप कह सकते हो कि 75 साल पुराने इसराइल की ये वर्स्ट, वन ऑफ द वर्स्ट डेमोक्रेटिक क्राइसिस है। डेमोक्रेटिक आइडियल्स ऑफ इसराइल आर अंडर डेंजर। इसराइल के इंटरनेशनल एलाइज ने भी यहाँ पे कंसर्न एक्सप्रेस किया है। इसराइल के बहुत से लोगों का मानना है कि भैया अगर आप देखो, और इनफैक्ट बहुत सारे टॉप बिजनेस लीडर्स और टॉप लीगल ऑफिशियल्स तक का ये मानना है कि भाई इसराइल के अंदर ही जो टॉप में लीडर बैठे हैं ये धर्म के नाम पे सारी ताकत अपने हाथ में रखना चाहते हैं, जुडिशरी के हाथ में कुछ नहीं रहने देना चाहते, क्योंकि जुडिशरी ही एक अकेला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल कर सकती है। तो ये जो नया लॉ बनाया जा रहा है जुडिशियल ओवरहॉल का, उसमें ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर को डीम किया जा सकता है टू अनफिट फॉर रूल, केवल मतलब उसको रूल के लिए इनफिट तभी डीम किया जा सकता है या तो उसको हेल्थ प्रॉब्लम हो या मेंटल प्रॉब्लम हो, और वो प्रॉब्लम है कि नहीं है इसमें जुडिशरी का कोई रोल नहीं होगा, केवल सरकार का रोल होगा। अब ऐसा बोला जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की लीगल प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़ी हैं, करप्शन के एग्जाम के चलते ओवरऑल उनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से हटाया जा सकता है और केवल जजेज ऐसा कर सकते हैं, तो जज की ही ताकत को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं नेतन्याहू। तो दो तरीके से चीज़ों को देखा जा रहा है, एक तो नेतन्याहू ने अपनी मनमर्जी के हिसाब से जुडिशियल ओवरहॉल वाला मैकेनिज्म लेके आया ताकि करप्शन के चार्जेस अपने ऊपर से हटा सकें और जजेस की ताकत को कम कर सकें। दूसरा, ओवरऑल इस पर्टिकुलर क्राइसिस को एक और रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, सेक्युलर वर्सेस कंजर्वेटिव। वो लोग जो कि ओवरऑल रिलीजियस से थोड़ा इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, बहुत ज्यादा रिलीजन का इंटरफेरेंस नहीं चाहते अपनी डेली लाइफ में, और वो लोग जो बहुत ज्यादा रिलीजन के साथ एसोसिएटेड है, जो बहुत ज्यादा रिलीजन के साथ एसोसिएटेड है वो एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव है, वो ओवरऑल जुडिशियल इंटरफेरेंस नहीं चाहते, और जो बहुत ज्यादा सेक्युलर है वो चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक नेशन के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहना जरूरी है। तो ये बात ओवरऑल यहाँ पे बोली जा रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। फर्स्ट सेट ऑफ चेंजेस जिसको आप बोलते हो जुडिशियल ओवरहॉल के लॉस, उनको यहाँ पे पास करा लिया गया, काफी बवाल भी हो रहा है ओवरऑल। सरकार से बोला गया था कि आप ओरिजिनल बिल को अमेंड करो, सरकार ने बिल अमेंड करने से मना कर दिया, सरकार ने बोला कि ठीक है हम थोड़ा इसको इंप्लीमेंट करने में डिले कर देंगे, बट कहीं ना कहीं बिल तो यहाँ पे पास होगा। सरकार ये बोल रही है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ब्रांचेस के बीच में बैलेंस रहना चाहिए, जुडिशरी बहुत ज्यादा सरकार के काम करने के तरीके के बीच में इंटरफेयर कर रही है,
लेकिन जुडिशरी की जो फॉलोवर है वो ये बोल रहे हैं कि सरकार ऑटोक्रेटिक रूल की तरफ जा रही है, अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जा रही है। तो ये यहाँ पे हो रहा है, लेट्स सी आगे क्या होता है। नेक्स्ट, जीएस पेपर टू, इंटरनेशनल रिलेशंस। टर्किश पार्लियामेंट्री कमीशन अप्रूव्स फिनलैंड्स नाटो बिड। देखिए, टर्किश की पार्लियामेंट के फॉरेन अफेयर्स कमीशन ने ये जो फिनलैंड की बिड है नाटो ज्वाइन करने की, इसको अप्रूव कर दिया है। तो बेसिकली फिनलैंड इज वन स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स बीइंग अ मेंबर ऑफ नाटो, ठीक है ना भाई। ओवरऑल नाटो का मेंबर बनने के लिए नाटो की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं सबके पार्लियामेंट का अप्रूवल लगेगा ओवरऑल उस कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री को इन्वाइट करने के लिए। तो अभी के लिए फिनलैंड की जो नाटो बिड है इसको तो टर्किश पार्लियामेंट फॉरेन अफेयर्स कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है भाई। प्रेसिडेंट रेसिप तैयब अर्दोगन ने पिछले हफ्ते बोला भी था जब उसके फिनिश काउंटर पार्ट सोली निनिस्तो आए थे टर्की में कि ठीक है भाई आपके हेलसिंकी के एक्सेशन को नाटो में हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अर्दोगन और टर्की ने स्वीडन की बिड को एक्सेप्ट नहीं किया। अर्दोगन और टर्की का ये बोलना है कि स्वीडन अभी भी इनफ नहीं कर रहा उन लोगों को टैकल करने के लिए जो टर्की में टेररिज्म फैलाते हैं। ये बेसिकली कुर्द माइनॉरिटी की बात कर रहा है टर्की। अभी भी बहुत सारे कुर्दिश एलिमेंट्स को स्वीडन ने पनाह दे के रख रखी है, टर्की ने ऐसा बोलना है स्वीडन के रिस्पेक्ट में, इसलिए स्वीडन की नाटो बिड को टर्की एक्सेप्ट नहीं कर रहा अभी के लिए। फिनलैंड की नाटो बिड को एक्सेप्टेंस दे दिया है। स्वीडन और फिनलैंड ने पिछले साल नाटो ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया था रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। स्वीडन और फिनलैंड को लगा कि यार नाटो के मेंबर बन जाते हैं, कल की डेट में रशिया हमको अटैक कर देगा तो हम अपने आप को बचा लेंगे। सारे 30 पार्लियामेंट के अप्रूवल लगेंगे जो भी नाटो के मेंबर्स हैं। फिनलैंड को अप्रूवल अभी के लिए टर्की ने दे दिया है, स्वीडन को नहीं दिया। तो अभी टर्की के अलावा ऐसी कौन सी कंट्री बची है जिसने ओवरऑल इन दो कंट्रीज को अप्रूवल नहीं दिया है नाटो ज्वाइन करने का? तो उस कंट्री का नाम है हंगरी। पिछली बार नाटो किसने ज्वाइन किया था, लास्ट मेंबर कौन बना था नाटो का, तो 2020 में बना था नॉर्थ मैसेडोनिया। नाटो क्या है? तो भाई आप कह सकते हो कि नाटो एक मिलिट्री ग्रुपिंग है 30 मेंबर कंट्रीज की, जहां पे डिसीजन को कंसेंसस से लिया जाता है। नाटो का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इट प्रमोट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इनेबल्स मेंबर्स टू कंसल्ट एंड कोऑपरेट ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, पीसफुल रेजोल्यूशन करता है डिस्प्यूट का। अगर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल हो जाते हैं तो मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किया जाता है क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशन में। कलेक्टिव जो डिफेंस क्लॉज है नाटो की फाउंडिंग ट्रीटी का, आर्टिकल 5 ऑफ द वॉशिंगटन ट्रीटी, इसमें यह बोला गया है कि अगर नाटो के किसी भी मेंबर के ऊपर अटैक होता है तो बाकी सारे मेंबर्स के ऊपर अटैक माना जाएगा। इसलिए स्वीडन फिनलैंड इसको ज्वाइन कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर अटैक होता है तो बाकी नाटो कंट्रीज उनकी मदद के लिए आएंगी। अब एक्चुअली मदद के लिए आएंगी ये पता नहीं, चूंकि CSTO का मेंबर था आपका आर्मेनिया। जब अजरबैजान ने आर्मेनिया के ऊपर अटैक किया तो टेक्निकली CSTO की कंडीशंस के हिसाब से रशिया को मदद करने आना चाहिए था, बट रशिया आया नहीं। तो कल की डेट में नाटो मेंबर की किसी कंट्री के ऊपर अटैक होता है बाकी नाटो कंट्रीज कितनी मदद करेंगी, डाउटफुल है। फिर आ जाते हैं भाई एडिटोरियल डिस्कशन पे। एक आर्टिकल है यहाँ पे CR केसवन साहब का, नो स्लैंडर प्लीज, दे आर अवर फ्रीडम फाइटर्स फर्स्ट। देखिए आज की डेट में ओवरऑल हमारे पहले की फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठाई जाती हैं, उनको बहुत कुछ बुरा भला बोला जाता है। 23 मार्च इंडिया की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का माइलस्टोन है। 1919 में महात्मा गांधी जी चेन्नई में थे इस पर्टिकुलर दिन, ऑन द इनविटेशन ऑफ कस्तूरी रंगा यंगर, और उस समय पर महात्मा गांधी जी ने प्लान बनाया था रोलट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह करने का। 6 अप्रैल 1919 को रोलट सत्याग्रह यहाँ पे सुना हुआ था, ब्रिटिश राज को हुला के रख दिया था सत्याग्रह ने। अब बेसिकली इस पर्टिकुलर आर्टिकल का जिस्ट क्या है? जिस्ट दोस्तों यहाँ पे ये है कि जो हिस्ट्री में हमारे लोग एग्जिस्ट करते हैं उनसे कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, तो आज की डेट में हम लोग आराम से इंडिया की सेफ डेमोक्रेसी के अंदर बैठ के पुराने समय के अनस्टेबल टाइम के ओवरऑल बड़े दिग्गज लोगों के ऊपर कमेंट मारते हैं, उनमें कमियां निकालते हैं, ये देखिए ठीक नहीं है। ठीक है, अगर आप देखो तो ब्रिटिश एम्पायर जब था साउथ इंडिया में बहुत से रिवॉल्ट हुए थे, आतिंगल रिवॉल्ट, पोलिगर रेबेलियन, वेल्योर मूटनी, इन सबको ज़्यादा मेंशन नहीं किया जाता है, लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव में इन सबको मेंशन किया जा रहा है, सबको सेलिब्रेट किया जा रहा है, सबको कमोमरेट किया जा रहा है, हमारे 75 साल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस को कमोमरेट किया जा रहा है। अब एट द एंड हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए जान दी है, लाल बाल पाल की आप बात कर लो, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, फिर आप भगत सिंह की बात कर लो, बिरसा मुंडा की बात कर लो, वचिनंथन की बात कर लो, गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर लो, बाबा साहब की बात कर लो, सबने देश के लिए बहुत कुछ किया। बहुत से ऐसे लोग भी हैं हिस्ट्री में जिनसे थोड़ी गलती भी हो गई थी, और आज की डेट में उन गलतियों को पॉइंट आउट करके उनकी कमियां उठाई जाती हैं, वो सही नहीं है।
जैसे सावरकर साहब की बात की जाए, वीर दामोदर सावरकर साहब की, अब वीर दामोदर सावरकर साहब को एक हिंदू फंडामेंटलिस्ट बोला जाता है, उनकी बहुत सी कमियां पॉइंट आउट की जाती हैं, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छी बातें भी की थी। तो 30 मई 1980 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने पंडित बाकले जी, जो कि सेक्रेटरी थे स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के, इनको चिट्ठी लिखी और उसमें बोला कि वीर सावरकर डेयरिंग डिफियांस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस इन द एनल्स ऑफ अवर फ्रीडम मूवमेंट। आई विश सक्सेस टू द प्लान्स टू सेलिब्रेट द बर्थ सेंटेनरी ऑफ द रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया। आप समझिए, इंदिरा गांधी जी ने यहां पे मैच्योरिटी दिखाई। वीर सावरकर जी के अगेंस्ट बहुत सारे गलत इल्जाम भी लगते हैं, लेकिन तब भी इंदिरा गांधी जी ने इस बच्चे की तारीफ की, देश के बच्चे की। रीजन क्यों? रीजन ये है कि कहीं ना कहीं उसने देश के लिए कुछ किया है, भले ही ओवरऑल निगेटिव नाम रहा है वीर सावरकर का। उसी प्रकार से यहां पे जवाहरलाल नेहरू की बात की जा रही है। जवाहरलाल नेहरू नाभा जेल में थे सितंबर 1923 में, इनको अरेस्ट किया था के संथनम और आचार्य गिदवानी के साथ। नेहरू को बेल पे छोड़ दिया गया बॉन्ड साइन करके कि आप प्रिंसली स्टेट ऑफ पंजाब में नहीं घुसोगे, लेकिन गिदवानी को बाद में फिर से इलेक्ट कर लिया गया। तो नेहरू जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मेरे दोस्तों ने मुझे एडवाइस किया, इसलिए मैं बॉन्ड साइन करके निकल गया और वापस पंजाब नहीं आया, बट कहीं ना कहीं नाभा जेल में मैंने अपने दोस्त को अकेला छोड़ दिया, गिदवानी को अकेला छोड़ दिया। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी की एक कमी दिखाई जा रही है कि वो पंजाब में जाते तो उनको जेल में डाल दिया जाता, बट वो कम से कम अपने दोस्त गिदवानी के साथ होते, लेकिन उनके दोस्तों ने एडवाइस किया कि बाहर ही रहो। तो ये एक कमी है नेहरू साहब की। उसी प्रकार से गांधी जी ने बोयर वॉर के समय पे, साउथ अफ्रीकन वॉर के समय पे ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, ब्रिटिशर्स से कैसर हिंद मेडल लिया, 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड डिफॉल्ट, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज थी जहां पे गांधी जी ने ओवरऑल ब्रिटिशर्स के साथ एंगेज करने की कोशिश की। आज की डेट में हमें पता है कि वो एक गलती थी गांधी जी की, बट आज की डेट में बैठ के क्या इन पुराने हिस्टोरिकल फिगर्स को क्रिटिसाइज करना ठीक रहेगा? क्या हमारे लिए ये समझना इतना आसान है कि उस समय भी चीजें इतनी आसान रहती होंगी? आज की डेट में घर के मजे में एसी में बैठ के आप पुराने हिस्टोरिकल फिगर्स के ऊपर टिप्पणी करते हो, क्या हमें अंदाजा है कि जिस समय पे वो हिस्ट्री में एग्जिस्ट करते थे उस समय उनके सामने कितनी टफ कंडीशंस थी, उनको कितने खतरनाक डिसीजंस लेने थे, वो कितने इनस्टेबल टाइम्स में लग रहे थे, उस समय गुलाम थे हम। तो उस समय के डिसीजंस गलत हो सकते हैं, आज की डेट में भी डेली लाइफ में जब आप कोई डिसीजन लेते हो आपसे गलतियां होती हैं, हो ही जाती हैं सबसे, हर कोई भी अपने डिसीजन में परफेक्टली सही नहीं होता है। तो पास्ट में हमारे हिस्टोरिकल लीडर्स ने अगर कुछ गलती की है तो हमें उनकी गलती से उन्हें याद नहीं करना चाहिए, हमें उनकी सक्सेस से उन्हें याद करना चाहिए। बट आज की डेट में लोग अपनी पॉलिटिकल प्रायोरिटीज और अपने पॉइंट को बस एग्जर्ट करने के लिए पुराने की हिस्टोरिकल लीडर्स की चुनिंदा गलतियों को पॉइंट आउट करते रहते हैं, उनके अचीवमेंट्स को पॉइंट आउट नहीं करते। ये एक गलत एटीट्यूड है, ये ऐसा ऑथर यहाँ पे बोल रहा है। फिर अगला आर्टिकल, द बर्डन ऑफ अ फैमिली कोर्ट। ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि चूंकि ये एक कोर्ट रिपोर्टर है तो मुंबई के फैमिली कोर्ट अक्सर कर जाते रहते हैं, ये देखते हैं कि मुंबई की फैमिली कोर्ट में बहुत सी डिवोर्स एप्लीकेशन है, बहुत सी वजहों से होती है, वॉयलेंस, एडल्ट्री, डाउरी, तो ऑब्वियस ही बात है डिवोर्स केसेस अक्सर कर डिप्रेसिंग होते हैं। तो उन्होंने केस देखा जहाँ पे एक आदमी अपनी वाइफ से डिवोर्स मांग रहा था, चूंकि वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती थी, तो उसकी वाइफ ने सिर्फ वजन घटाने के लिए 6 लाख रुपये ख़त्म कर दिए और वजन भी नहीं घटा, तो वो आदमी बोला था मुझे डिवोर्स दे दो। फिर कई बार ओवरऑल डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में चाइल्ड कस्टडी और एलिमनी की भी बात होती है, कई बार जज साहब यहाँ पे अनहैप्पी कपल्स को काउंसिल करके बोलते हैं कि अपनी मैरिज को एंड करने से पहले थोड़ा बहुत तो बातचीत करने की कोशिश करो। एक दिन ऑथर बोल रहा था, रिपोर्टर बोल रहा था कि ये कोर्ट में थे तो कोर्ट में बहुत सारे लोग अपने टर्न का इस्तेमाल कर रहे थे, तभी देखा कि जज साहब अपने चैम्बर से बाहर निकले, एक बॉलीवुड एक्टर और उसका ब्रदर इन लॉ था, उनका कुछ डिवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो उस डिवोर्स प्रोसीडिंग को पहले देखा गया, कुछ ही दिन में उनके डिवोर्स की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, और बाकी लोगों को महीनों सालों इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बोला था कि देर आर पैरेलल सिस्टम्स ऑफ जस्टिस, एक जस्टिस सिस्टम इन्फ्लुएंशियल के लिए चलता है, दूसरा बाकियों के लिए चलता है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई जा रही है। ओवरऑल कोर्ट में एंगर, ब्लेम, हर्ट, ग्रीफ, ब्रेक, रिलीफ, जॉय, सब कुछ नजर आता है। जब कोविड, मतलब अक्सर कर ये देखा जाता है कि बच्चों की कस्टडी के रिस्पेक्ट में एक इंसान बच्चे की कस्टडी जीत जाता है, दूसरा विजिटेशन राइट्स जीतता है। जब कोविड-19 का लॉकडाउन लगा तो उसके बाद बच्चे से ऑनलाइन मिलने की जो एप्लीकेशंस थी कोर्ट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आज की डेट में अक्सर कर कोर्ट में विजिटेशन राइट्स होते हैं तो बच्चा अपनी माँ से, अपने बाप से, जिससे भी वो स्ट्रेंज हो चुका है उससे मिलता है, तो खुशी भी वहाँ पर देखने को मिलती। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल यहाँ पर बताई जा रही हैं। अब इस बीच में अगर आप देखो कुछ अच्छी चीज़ें बताई जा रही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने लैक्टेशन रूट्स का इनॉग्रेशन किया बांद्रा फैमिली कोर्ट में। स्वाति चांद जो कि प्रिंसिपल जज हैं बांद्रा फैमिली कोर्ट की, उन्होंने इस इनिशिएटिव को आगे लेकर, क्योंकि बहुत सी औरतें बच्चा लेके आती हैं
तो बच्चे को दूध पिलाने के लिए जगह नहीं होती तो लैक्टेशन रूम बनाया गया। फिर रिसेंटली महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब ने बोला है कि 5000 डिवोर्स केसेस पेंडिंग है मुंबई के फैमिली कोर्ट में, तो हम जल्दी ही कुछ और फैमिली कोर्ट्स बनाएंगे, 14 एडिशनल फैमिली कोर्ट्स मुंबई में सेटअप किए जाएंगे, एक थाने में एक मुंबई में। अगर ये चीज़ हो जाती है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि देखिए बात यह है कि लिटिगेशन तो बढ़ता जा रहा है, डिवोर्स इंडिया के अंदर होते रहेंगे, तो केसेस को डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है, और डिस्पोज ऑफ करने के लिए ओवरऑल ज्यादा जजेस और ज्यादा कोर्ट्स बनाना जरूरी है। सरकार बोल तो रही है कोर्ट बनाएगी, कब तक बनेगी वो देखते। फिर अगला आर्टिकल ओल्ड एंड द न्यू। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ओवरऑल दो पॉइंट दिए जा रहे हैं। एक तो रिसेंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने राज्यसभा में अपना सबमिशन दिया। देखिए इस समय पे डिमांड चल रही है पूरे देश के अंदर कि ओल्ड पेंशन स्कीम पे वापस आ जाओ। अभी के लिए एनपीएस के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। अब बहुत सारी राज्य की सरकारों का यह बोलना है कि जो एनपीएस का पैसा, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर आप आईएएस बनते हो तो आपकी तनख्वाह मान लो 70,000 रुपये, उसमें से कुछ 5,000 रुपये आपका कटेगा, आपके एनपीएस अकाउंट में जाएगा, और लगभग 5,000 रुपये शुरुआत में आपका एनपीएस अकाउंट में सरकार डालेगी। तो न्यू पेंशन स्कीम में क्या होता है कि आपकी तनख्वाह से एक अमाउंट कटता है और उतना ही अमाउंट सरकार आपके अकाउंट में डालती है, और वो जमा होता जाता है, मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता है, और रिटायरमेंट के समय पर आपको एक बड़ा फंड मिल जाता है उससे। ठीक है, आज की डेट में अगर आप आईएएस बनोगे 25 साल की उम्र पे, तो रिटायरमेंट तक 2-3 करोड़ रुपए तो आपको एनपीएस से मिल जाएगा। ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम अलग है। ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं डालती, जब आप रिटायर हो जाओगे तो प्रति महीने सरकार आपको पेंशन देगी आपकी फाइनल सैलरी का 50%। ठीक है, अब हो यह रहा है कि एनपीएस रूल्स के अंदर जितना कंपोनेंट सरकार ने डाला है एनपीएस के अंदर, अगर वो एनपीएस से ओल्ड पेंशन स्कीम में बंदा जाता है तो एनपीएस में जितना पैसा सरकार ने डाला है वो पैसा सरकार वापस ले लेगी, लेकिन उस पैसे को वापस लेने का कोई लीगल प्रोविजन नहीं है। तो बोला यह जा रहा है कि चूंकि सरकार ने जो पैसा एनपीएस में डाला है उस पैसे को वापस लेने का लीगल प्रोविजन नहीं है राज्य की सरकार के पास, इसलिए राज्य की सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम में स्विच नहीं करेगी, तो वो पैसा लीगली वापस करने का कुछ हिसाब बैठा। आप देखिए शुरू में जब एनपीएस से आप ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जाओगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल लगेगा, क्योंकि एकदम से सरकार के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। पिछले 10-15 सालों में सरकार ने ओवरऑल जो भी एनपीएस में पैसा डाला, अपना कंपोनेंट डाला है, वो पैसा सरकार को वापस मिल जाएगा, तो एकदम से लगेगा कि सरकार के पास पैसा आ रहा है, बट एक्चुअली में सरकार के पास पैसा नहीं आ रहा है। लॉन्ग टर्म में ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत ज्यादा अनसस्टेनेबल है। लॉन्ग टर्म में ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे ओवरऑल रेवेन्यू के ऊपर, एक्सचेपर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगी। इसीलिए ओवरऑल जो सरकारी स्टैंड है, केंद्र की सरकार का स्टैंड है राज्य की सरकारों के लिए, कि बहुत ज्यादा ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ मत भागिए। 2004 में जिन लोगों ने एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया था और ज्वाइनिंग की थी, उनको अभी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट दिया गया। तो एकदम से अलग अलग राज्य सरकारों में बहुत ज्यादा जोशो खरोश से डिमांड बढ़ गई है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में रिवर्ट कर जाइए। बहुत सारी सरकारों को तो ये लग रहा है कि आज रिवर्ट कर जाएंगे तो एकदम से बहुत सारा पैसा आ जाएगा, लेकिन वो अभी आ जाएगा, बाद में वो सस्टेनेबल नहीं है। तो अब जरूरी क्या है यहाँ पे, जरूरत यहाँ पे ये है कि एक ऐसी नई स्कीम बनाई जाए रिटायरमेंट की, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम के भी कुछ आप कह लो प्रोविजंस हो और न्यू पेंशन स्कीम के भी कुछ प्रोविजंस हो, चूंकि ना पूरी तरीके से न्यू पेंशन स्कीम लोगों को पसंद आ रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम में पूरी तरीके से सरकार जाना नहीं चाहता। देयर शुड बी अ मतलब मिक्स न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम का, ये बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। इसमें आंध्र प्रदेश की सरकार का एक प्रपोजल पे अटेंशन ले जाना जरूरी है। कॉन्ट्रीब्यूटरी करेक्टर एनपीएस का भी आप बनाए रखो, और ओवरऑल बेसिक पे का 33% पेंशन के बेसिस पे भी दिया जाएगा, इस बात को भी आप इंश्योर करो। तो इस स्कीम में एनपीएस के भी प्रॉपर्टीज आ गई और ओल्ड पेंशन स्कीम की भी प्रॉपर्टीज आ गई, और ये प्रैग्मेटिक भी होगा और थोड़ा फाइनेंशियली सस्टेनेबल भी होगा। तो इस प्रकार का कोई हम स्टेप लेते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को भी खुश कर पाएंगे और सरकारें भी ओवरऑल यहाँ पे लोगों के जो अप्रिहेंशन है उसको एंटरटेन कर पाएंगे। फिर आज का आखिरी आर्टिकल, प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बोनीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक डार्क चैप्टर ऑफ हिस्ट्री खत्म करने वाले हैं। एक रेफरेंडम ऑस्ट्रेलिया के अंदर पास कराया जा रहा है जिससे कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया जाएगा एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर पीपल को, और सरकार में इनको परमानेंट रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, लेकिन ये परमानेंट रिप्रेजेंटेशन एडवाइजरी कैपेसिटी में होगा। इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो वॉइस नाम की एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिजीनियस बॉडी बनाई जाएगी ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के ऊपर, जो कि नॉन बाइंडिंग एडवाइस प्रोवाइड करेगी पार्लियामेंट को पॉलिसी सब्जेक्ट्स को लेके, और ये पॉलिसी सब्जेक्ट्स होंगे फर्स्ट नेशन कम्युनिटीज के, इंडिजीनियस लोगों के। अब इन इंडिजीनियस लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए दी जा रही है क्योंकि देखो दोस्तों
इस समय पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्हीं लोगों के अंदर शॉर्टर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाई रेट्स ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी है, पुअर फिजिकल और मेंटल हेल्थ है, लोअर लेवल्स ऑफ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट है, हायर रेट्स है चाइल्ड रिमूवल का, सुसाइड का, कम्युनिटी और फैमिली वायलेंस ज़्यादा है। तो ओवरऑल इंडिजीनियस लोगों का जो वल्नरेबिलिटी है, जो डिसएडवांटेज है, उसको हटाने के लिए यहाँ पे वॉइस नाम की रिप्रेजेंटेटिव इंडिजीनियस बॉडी बनाई जा रही है ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के अंदर, ताकि ओवरऑल इन एबोरिजिनल लोगों को एक रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके। हालांकि उस रिप्रेजेंटेशन में उनके व्यू पॉइंट्स को माइंडिंग नहीं माना जाएगा, लेकिन हाँ उनके व्यू पॉइंट्स की वैल्यू होगी। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर पब्लिक सपोर्ट इस पर्टिकुलर रेफरेंडम को 59% है, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, उसमें इंडिजीनियस लीडर्स ही हैं जो कि इस पर्टिकुलर प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जैसे कंट्री लिबरल पार्टी की सेनेटर है जेसिंटा प्राइस। इनका ये बोलना है कि अगर आप ऑबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट के आइलैंडर वाइस को परमानेंट रिप्रेजेंटेशन दे दोगे एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट में और पार्लियामेंट में, तो इनकी तो वैल्यू कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा हो जाएगी। तो अगर इनकी वैल्यू कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा हो जाएगी तो कल की डेट में ओवरऑल इनफॉर्मली ये पार्लियामेंट में बैठ के किसी भी प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन को ब्लॉक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस बोल रही है कि आप इनको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप इनको रिप्रेजेंटेशन दो, बट परमानेंट रिप्रेजेंटेशन मत दो, कम से कम कुछ तो चेक्स एंड बैलेंसेस रखो। क्योंकि अगर आप इनको परमानेंट रिप्रेजेंटेशन दे दोगे तो आगे आने वाले समय में सारे पॉलिसी मैटर्स पे ओवरऑल ये कुछ ना कुछ काउंटर कमेंट्स करते रहेंगे, हमारा तो पॉलिसी पास कराना मुश्किल कर देंगे। ये सब बातें यहां पे बोली जा रही है। तो फाइनली ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिजीनियस लोगों के लिए यहां पे ओवरऑल जस्टिस किया जा रहा है। दो ऑस्ट्रेलिया सरकार वैसे ही बहुत देर थी, लेट 2000 में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने साइन किया था क्लोज द गैप स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, बेटर हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की थी इंडिजीनियस लोगों के लिए। अब इंडिजीनियस लोगों की यहाँ पे पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को भी बढ़ाया जा रहा है इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम के थ्रू। आपका इसके ऊपर क्या इंपॉर्टेंट है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं वीडियो खत्म करता हूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।